अपलोडेड कंपास में, हाँ डाउनलोडेड कंपास में ना केवल वेरिएशन होता है। कंपास इज ऑलवेज बेस्ट फॉर आईफोन, आईफोन का कंपास सबसे अच्छा होगा। तो वास्तु में ऐसा कुछ है कि आईफोन आ जाए? हाँ पक्का सर, पक्का आईफोन आ जाएगा सर। मैं आज कुछ ऐसे टिप बताऊंगा जो आईफोन आ जाएगा। वो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ही करना पड़ेगा, आईफोन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपका जैसे सपोज ये ईस्ट फेसिंग हो गया, ठीक है, ये ऑफिस हमारा ईस्ट फेसिंग है, ये बाजू अपना नॉर्थ हो गया, दिस बाजू इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है, नाउ द प्लेस वेयर यू आर सिटिंग, जहाँ पे ये लोग बैठे हैं, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या है, ये वाला, और ये साउथ ईस्ट है, ये कॉर्नर साउथ ईस्ट है, यानी कि इसलिए काम आएगा ये पैसे के लिए, ये वाला कॉर्नर पैसे कमाने के लिए काम आएगा। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया? और डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन हमेशा बाहर निकलते हुए देखी जाती है। लोगों में कई बार क्या होता है कि गलत फहमी ये होती है कि दे डू कंसीडर डायरेक्शन व्हाइल दे आर एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग। लोग ना जब कई बार लोग खड़े होते हैं बाहर बिल्डिंग के बाहर या अपार्टमेंट का, अरे सर वो मैंने देखा वो नॉर्थ फेसिंग है, पूछता हूँ नॉर्थ फेसिंग कैसे देखा आपने, अरे हम बाहर खड़े दिखे अंदर नॉर्थ दिखा रहे, लेकिन नहीं अंदर जाके देखो तो कौन सा फेसिंग है। अगर डोर साउथ में हो, लाइक इट्स साउथ फेसिंग, हां एंड मतलब व्हेन यू आर गोइंग आउट यू आर गोइंग दिस साइड, दिस इज द डोर इज हियर, दिस इज साउथ, दिस इज साउथ फेसिंग, दिस इज नॉर्थ, सो यू विल कॉल दिस अ साउथ फेसिंग, हां वी विल कॉल इट साउथ फेसिंग, बट दैट इज नॉट राइट, इट इज एक्चुअली नॉर्थ फेसिंग इज राइट, साउथ फेसिंग इज नॉट राइट ना। अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट दैट एंट्रेंस, साउथ इज नॉट गुड, नॉर्थ इज गुड, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। जैसे अभी आपने बोला जैसे कोई बाहर जाता है तो हम लोग कभी करते हैं, बट एक्चुअली द डोर इज इन द नॉर्थ एंड व्हेन यू आर एंटरिंग यू आर सीइंग नॉर्थ, बट व्हेन यू आर लुकिंग हियर तो आपका पीक नॉर्थ में होता है, आपका फेस साउथ में होता है, तो दैट इज रॉन्ग डायरेक्शन। हां एक्चुअली क्या है, साउथ डायरेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी द इनऑक्सपिशियस डायरेक्शन, गलत माना जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्यों माना जाता है, कितना मानना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं मानना चाहिए, थोड़ा मिथ है साउथ के बारे में। अब मिथ क्या हुआ, और जैसे चलते चलते ना वो सच्चाई लगने लगती है, एक ही रिपीटेडली जब एक झूठ आप कई बार बोलोगे तो वो लगने लगता सच है, इट्स नॉट बीइंग लाइक दैट। पता है डॉट मतलब तो फिजिकल, वर्चुअल गेट, फिजिकली यूज नहीं करते, वर्चुअली गेट खोल देते हैं, वर्चुअल गेट खोलने से भी आपको वो बेनिफिट मिल जाते हैं जो आपको सही डायरेक्शन से, और ये बहुत अच्छा काम करता है। अब डायरेक्शन किसी की खराब हो कुछ भी हो उसका इतना कोई मैटर नहीं बनता, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं आसानी से, और ट्रीट करने के बाद उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि आपको डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके आप प्रैक्टिस करेंगे, आप दो चार जगह जाके प्रैक्टिस करिए, आप अपने घर पे या आपके जो पापा लोगों की शॉप्स हैं, ऑफिस हैं, ये शोरूम जो भी कुछ है वहाँ पे कर सकते हो, यू कैन गो एंड चेक इट इन द रिलेटिव प्लेस ऑल्सो, व्हाटएवर इट इज, इसको आप देखिए। नाउ कम्स, अब अगली चीज़ जो आती है वास्तु में वो आती है कि जिससे आपको पता लगे कि आपके क्या क्या गलत है क्या क्या सही है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लेसमेंट एज पर वास्तु, वास्तु के हिसाब से क्या क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए, ये जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इनसे रिलेट कर पाओगे, आप अपने अपने घरों को रिलेट कर पाओगे कि आपके घर में अगर ये प्रॉब्लम है तो उसकी वजह क्या है ना, आज आपको ये समझ में आ जाएगा, इतना तो मैं आपको एक्सपेक्ट कर दूंगा कि आप अपने घर को ठीक से समझ पाओगे आपके घर की प्रॉब्लम के रीज़न क्या है। देखिए ईस्ट डायरेक्शन में व्हाट वी कैन मेक, ईस्ट डायरेक्शन में स्टडी रूम बहुत अच्छा होता है, सन की डायरेक्शन होती है, सन की डायरेक्शन में जब भी आप बैठ के पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली सन वाली एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाती है, तो आपकी लर्निंग पावर, मेमोरी, ग्रेस्पिंग पावर सब अच्छी हो जाती है। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि व्हाइल डूइंग स्टडी वन शुड ऑलवेज फेस टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ईस्ट फेसिंग जब भी आप पढ़ोगे तो आप देखेंगे कंपैरेटिवली आपको अच्छे से याद हो रहा है, और जो याद हो रहा है वो लंबे समय तक याद रहता है आपको, आपका मन लगता है पढ़ाई में। लिविंग रूम कैन बी देयर, लिविंग रूम इज अ प्लेस वेयर नोबडी स्लीप्स। ठीक है, आप बैठते हो, आप गेस्ट के साथ बैठते हो, आप खुद बैठते हो, तो देट कैन मेड ओवर देयर, गेस्ट रूम भी आप बना सकते हो, और आपसे कोई इशू नहीं है। या ओपन स्पेस, अगर आपके पास इतनी जगह है तो आप इसको खुला भी छोड़ सकते हो, ओपन भी छोड़ सकते हो। बाथरूम, बाथरूम